नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इंडियन रोजगार यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है, नेवी एमआर का 5 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम और हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट ने हमारे साथ जो है क्वेश्चन शेयर किए हैं, जो कि आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूँगा। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि नेवी SSR AA में जो GK क्वेश्चन पूछे गए थे, कई क्वेश्चन आपके नेवी MR के एग्ज़ाम में भी रिपीट हो रहे हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली एग्जाम रिव्यू मिलती रहे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, CCTV का पूर्ण रूप क्या है? CCTV का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों, CCTV का जो फुल फॉर्म होता है, क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न जो है CCTV का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों, क्वेश्चन कहता है ओलंपिक ध्वज कब अपनाया गया? तो दोस्तों, 23 जून 1914 को पेरिस में जो है ओलंपिक ध्वज को अपनाया गया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। दोस्तों, अगला सवाल कहता है, BSF की स्थापना कब हुई थी? तो BSF की स्थापना दोस्तों 1 दिसंबर 1965 को हुई थी, 1 दिसंबर 1965 को। दोस्तों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा दोस्तों टका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। रतौंधी दोस्तों आँखों का रोग है, जो कि एक विटामिन ए की कमी से होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, हल्ला बोल पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुदनवा पांडे देश पांडे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुदनवा देश पांडे। अगले सवाल में आपसे पूछा है दोस्तों, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? अबुल फजल इब्न मुबारक, अबुल फजल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में आपसे पूछा दोस्तों, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो चीन का राष्ट्रीय खेल दोस्तों क्या है? चीन का जो राष्ट्रीय खेल है वो टेबल टेनिस है, टेबल टेनिस इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? डेविस कप दोस्तों टेनिस से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, डेविस कप टेनिस खेल से संबंधित है। अगले सवाल में आपसे पूछा था, UNO का पूर्ण रूप क्या है? तो UNO का जो पूर्ण रूप है दोस्तों वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगले सवाल में आपसे पूछा था दोस्तों, हु इज राजा राम मोहन राय? राजा राम मोहन राय कौन थे? तो आप सभी को पता है, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। अगला सवाल कहता है दोस्तों, पहले ओलंपिक खेल कहाँ पर खेले गए थे? तो यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में पहले ओलंपिक खेल खेले गए थे। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, नाबार्ड की फुल फॉर्म आप सभी को पता है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कब स्थापित हुआ था? तो ये दोस्तों 12 जुलाई 1982 को स्थापित किया गया था, ध्यान रखिएगा। नाबार्ड की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगले क्वेश्चन में आपसे ICDS का फुल फॉर्म पूछा था, तो ICDS का पूर्ण रूप होता है दोस्तों, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा था दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो मोर दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले सवाल में आपसे पूछा था, योगेश्वर दत्त का संबंध किस खेल से है? तो योगेश्वर दत्त दोस्तों कुश्ती से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों, चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 2 दोस्तों 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, 22 जुलाई 2019 को जो है लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2। अगला सवाल आपसे पूछा था दोस्तों, अगले ग्रीष्मकालीन खेल कहाँ पर होंगे? तो ये टोक्यो में होंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम पश्चिम से पूर्व। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम से पूर्व जो है अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है। अगले सवाल में आपसे सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम पूछा था। सोडियम बाइकार्बोनेट का एक और नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका जो कॉमन नेम होता है, साधारण नेम, वो बेकिंग सोडा होता है, खाने का सोडा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था दोस्तों नथुला दर्रा कहाँ स्थित है, तो नथुला दर्रा दोस्तों सिक्किम में स्थित है, सिक्किम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे पास आज जो है 5 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा कर, और अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।